नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज भाजपा ऑफिस में, भाजपा जो प्रधान कार्यालय पटना का, उसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान का जो शुरुआत है, जो उद्घाटन है, वो माननीय जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, सम्राट चौधरी, उन्होंने किया। उनके उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमने जो नीतीश कुमार से 10 लाख नौकरी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, तो उन्होंने लाठी बरसाने का काम किया। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, पहले उनकी बातों को सुनिए। क्योंकि हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा, हम लोगों ने भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा, हम लोगों ने कानून का राज बिहार में समाप्त हुआ उसका हिसाब मांगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाने का काम। सम्राट जी, आपने साफ तौर पर सुना कि सम्राट चौधरी का कहना है कि जब हमने नीतीश कुमार से 10 लाख नौकरी का हिसाब मांगा, भ्रष्टाचार का हिसाब मांगा, उन्होंने जो भाजपा कार्यकर्ता है उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसको पुलिस वालों ने यह भी नहीं सोचा कि कौन महिला है, कौन पुरुष है। उसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में पिछले दिनों जो भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं लाजवंती झा, उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और SSP DM समेत जो कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि लाठीचार्ज में संलिप्त है, उन पे मुकदमा दायर किया है। उसके बाद आपको बता दें कि 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था विधानसभा मार्च के दौरान, उसमें कई ऐसे नेता थे जैसे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, या फिर कई ऐसे नेता हैं, विजय सिन्हा है, सब पे लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें एक BJP कार्यकर्ता जो है विजय सिंह की मौत भी हो गई थी। हालाँकि मौत की पुष्टि जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया कि उनकी जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।